क्या? दे दो। छोटी बच्ची हो क्या? शर्म आनी चाहिए। In my life, I dream a lot of things. In my life, you dream, I dream, they dream, we dream. 'Cause we don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. Dream of getting rich, being famous, being scholars and so. إنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. And truly this Quran is a guide and a mercy for the believers. Verily your Lord will decide between them by his judgment, and he is the Almighty, the All-Knowing. देवियों सज्जनों, अगर आपको मेरी आंखों में नींद दिख रही है तो हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ सचमुच में मुझे हल्की फुल्की नींद आ रही है। उसका रीजन ये है कि मैं रोज इसका रीजन ये है कि जब भी मैं फजर पढ़ के आता हूँ, थोड़ा सा कुरान पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सो जाता हूँ। मगर आज मैं नहीं सोया। क्यों? क्योंकि हमारे दर्शक लोगों को कमेंट आ रहा, भाई साहब अपन को व्लॉग मांगता है। मैं कहा ठीक है, आज हल्ला बोल ही देते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आखिर मदीम, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल आई एम खान, आई एम बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। हवा का झोंका काफी तेज होते हुए। पहली बात तो ये, अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि मैं इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं बना रहा था, डेढ़ महीने से बहुत सारे मसरूफियात थी मेरे पास, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। फिर रमजान स्टार्ट हो गया, मैं कहा अच्छा रमजान में क्या करेंगे। उसके बाद उसी रमजान में वाइवा भी चलने लगा। अभी कल जाके मेरा वाइवा खत्म। फिर रात में फिर से एक कॉमेंट आया है, खैर और खैरियत पूछ रहे थे तो बोले क्यों नहीं व्लॉग बना रहे। मैं कहा चलो ठीक है, अपन छत पे शूट करना इज वेरी टफ रे, यू सी दिस गाय नंबर वन बुलशिट गाय। तो मैं कहा, तो मेरे वाइवा चले थे, इसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो वाइवा खत्म हो गया तो मैं सोचा ठीक है व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। इंशाल्लाह धीरे धीरे इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। व्लॉग एक स्टोरी टाइप का ही लगभग मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर एक सेटिंग हो और एंड हो, आगे कैसे क्या खत्म हो गई मुझे अपने कमरे में जाना पड़ेगा। बहुत हो गया। सबसे बड़ी परेशानी व्हेनेवर आई ट्राई टू डू द व्लॉग इज द इनकम। पंखा बुझाना पड़ता मुझे ये, वरना इसका शोर आपको मेरी आवाज से ज्यादा सुनाई पड़ेगा। मैं छत से आने के बाद नीचे जैसे आता हूँ, मैं सोचता हूँ मैंने जितना व्लॉग शूट किया उसको एडिट करके देखता हूँ कैसा है। आधे घंटे एडिट करता हूँ, फिर अच्छा खासा एडिट हो जाता है। फिर मुझे अचानक से नींद आ जाती है, मैं सोता हूँ। अभी कुछ देर पहले मैं सोकर उठा। आप लोगों से अभी मुझे तीन इंपॉर्टेंट बातें करनी, तीन, मगर उसके साथ साथ मुझे काम भी करना। मुझे कपड़े प्रेस करने, एक ट्राउजर और एक टी शर्ट है बस। कपड़े प्रेस करने के लिए मुझे टेबल भी खाली करना पड़ेगा। खैर मैं इसे ऑन भी कर देता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत है। ओम्फो योर विंडोज लाइसेंस विल एक्सपायर सून। क्लोज हो जा रही है। टेबल खाली, सारा माल मलिदा बिस्तर पर। सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था वो मेरे एक सब्सक्राइबर से रिलेटेड थी। एक मिनट, जी मेल रेहान अहमद, ये आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आई एम वन ऑफ योर सब्सक्राइबर। कैन यू टेल मी सम टिप्स अबाउट राइटिंग अ पैराग्राफ और पोएट्री एज यू हैव अपलोडेड सम ऑफ पोएट्रीज ऑन योर YouTube चैनल। कैसे कोई पैराग्राफ या पोएट्री लिखे, उसके लिए कोई टिप है ही नहीं। एक छोटा सा नुस्खा बताऊंगा, वो करेंगे आप इंशाल्लाह, आपको इस पे कामयाबी मिलेगी। 5 वक्त नमाज पढ़े और नमाज के बाद खुद ही अकेले बैठ के दुआ करें, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा करो, मेरी वोकेबलरी और अच्छी बिल्ड कर दो, जिसकी वजह से मुझे नए नए वर्ड्स मिलें और उनको राइम करके मैं लिखना सीख लूँ। दैट्स इट, सिंपल है। आई गेव यू अ सिंपल टिप, यू नीड टू फॉलो दैट। आई एम सीरियस अबाउट इट। जो चाहिए ऊपर वाले से मांगो, मेरे टिप देने से कुछ नहीं होने वाला। मेरे को कोई टिप नहीं दिया, मेरे को कोई सिखाया नहीं। इनफैक्ट मैं पोइट्री के सख्त खिलाफ था, वो पता नहीं कैसे कुछ रीजंस हुए तो मैं लिखने लगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डेविएट ना हो, कि मतलब लिखूँ तो अल्लाह से रिलेटेड हो। कभी कभार इधर उधर हो जाए कुछ टाइम पास वाला, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट शुड बी रिलेटेड टू अल्लाह एंड हिज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो है रिगार्डिंग माय टेलीग्राम चैनल। आप में से जो लोग मेरा चैनल 5 या 6 महीने पहले सब्सक्राइब किए होंगे, पता होगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल था जो मैंने एमयू में जब उस वक्त एग्जाम्स हो रहे थे, एंट्रेंस एग्जाम, तो उसके लिए मैंने बनाया हुआ था। उस पर्पस मैं अलीगढ़ में हूँ, नया हूँ, कहाँ पे स्टे करूँ, बुक्स लूँ, कहाँ से फॉर्म, क्या ये वो, इतने सारे सवाल थे। मैं टेलीग्राम चैनल बना देता हूँ, मुझे हर सवालों का जवाब नहीं पता। उसमें बहुत सारे सीनियर लोग भी ऐड हो जाएंगे, इधर उधर से लोग को मैं ऐड कर दूंगा और वो आपस में डिस्कस करके एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुंच। चल भी रहा था अच्छे खास, उसमें लोग ऐड भी हो गए थे। बंद रहना चाहिए। जब एंट्रेंस खत्म हो गया तो अब मुझे नहीं लगा जरूरत है उसकी, उसको डिलीट कर दिया। अभी रमजान में भी स्टार्ट होने पे एक भाई उन्होंने फिर से वो कमेंट किया, मैं वो कमेंट देखा, मैं कहा हाँ जरूरी तो है, मैंने बना दिया। मैंने अभी व्लॉग पे बनाया इसलिए मैं लिंक नहीं शेयर कर पाया। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट माय टेलीग्राम चैनल इज अबाउट। मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको ऐड होना ऐड हो जाए। होल सोल मैंने इस्लामिक स्टफ के लिए बनाया हुआ, थियोलॉजी, फिलॉसफी, फेथ से रिलेटेड कंटेंट आएगा बस, दुनियादारी वाले बहुत कमी चीज रहेंगे। ये है हमारा चैनल, एन खान एंड कंपनी, वही पुराना वाला नाम है। ये प्रोफाइल है और ये जो लिंक है ये मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस व्लॉग के इंशाल्लाह। चलते हैं फाइनल चीज की तरफ जो है मेरे पर्सनल फायदे वाला। मैंने 1.5 महीने से व्लॉग नहीं बनाया हुआ, सिर्फ शॉर्ट्स डाले हुए, वो भी कंपनसेट करने के लिए। और मुझे इंटरेस्ट भी है एक्टिंग करने में और शॉर्ट्स बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं बनाता हूँ। उसकी वजह से सब्सक्राइबर्स जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं टारगेट देना बीच में भूल गया हूँ, मैं पहले टारगेट देता था और वो कंप्लीट होता था अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह से मेरा जो है अच्छा ग्रोथ था। जब से देना बंद कर दिया तब से देख रहा हूँ आराम से आप लोग आते हो। और आप ये देख सकते हो नॉन सब्सक्राइब लोग जो है, मतलब मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, वो आते हैं 60% के अबाव है। वो लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। शायद उनको ध्यान नहीं पड़ता है, मैं बोलता नहीं इसलिए उनको ध्यान नहीं पड़ता। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो 30 और 40 के बीच में रहते हैं हमेशा, बाकी अनसब्सक्राइब लोग आखिर ही मेरी वीडियोस देखकर चले जाते। इसीलिए मैं फिर से टारगेट देना शुरू करने वाला हूँ इस व्लॉग में। मैं टारगेट देता हूँ आज 21 तारीख है, 10 मई तक मेरे 4000 सब्सक्राइबर्स आप कंप्लीट करवा दीजिए, कैसे भी करके। अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर 4000 सब्सक्राइबर्स आप 20 दिन में कंप्लीट कराते हो, मेरा मोरल जो है और बूस्ट होगा। इंशाल्लाह आई विल वर्क मोर हार्ड और इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू विद गुड व्लॉग्स जिसमें से आप कुछ सीखे भी। उसके लिए जरूरी है आप मेरे सब्सक्राइबर्स का जो बेस है वो थोड़ा बड़ा कराओ। तो आप जाके शेयर करो, चाहे जहाँ शेयर करना है हर जगह शेयर करो। 4000 सब्सक्राइबर्स बिफोर 10th of May। अभी जोहर का वक्त होने वाला है, सो आई नीड टू गो नाउ। इफ्तार के वक्त से इंशाल्लाह अगर कर पाऊंगा तो वहां से कंटिन्यू करूंगा। अब जाकर धूप से राहत मिली। वक्त हो रहा है 5:45 के करीब और सनसेट का वक्त है अभी। चचा एकदम नीचे जा रहे हैं और इफ्तार यहाँ पे होती है 6:25 के करीब। तो अभी मतलब लगभग 40 मिनट के करीब है इफ्तार का जो सीन है। हम लोग के घर पे इफ्तार बनता नहीं है इस रमजान से, क्योंकि अम्मी की तबियत जो है ना जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे उनकी तबियत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, वो बना पाती नहीं। भाभी का घर है जस्ट बगल में ही अपने, ये जो टावर देख रहे हैं आप भाभी के घर के कॉम्पाउंड में, ये उधर मैं जाता है, अम्मी भी जाती है इफ्तार के लिए। वहाँ जाऊँगा किसी और से तो पता नहीं, मगर अपनी नींद से जरूर मिलवाऊंगा इंशाल्लाह आपको। ये बाइक किसका है? बाबू का है। दोनों बाइक बाबू का है और चाचू का है। कौन सा चाचू का है? ये वाला। और ये वाला किसका? व्हाइट वाला? नीचे वाला है। नहीं पता इसको, लड़की को नहीं पता। पेट्रोल दिला के आएंगे है ना इस पे, तो अच्छा क्या दे दो चाबी, क्या बोलोगे चाबी लगा के देखो, लो लगा के देखो, बस ऐसे हो जाएगा। ओम फो नहीं नहीं, किक नहीं मारते। अबे उधर का मम्मा है। गाइस ये सड़क जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पता नहीं कितने महीनों से चल रही। लड़की हाँ ठीक है, खुल गया, पेट्रोल भी डल गया। चलो दाना है कहाँ करना है। दैट्स इट गाइस, अपना सारा इफ्तारी और नमाज का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। अभी मैं जा रहा हूँ। चल रहा है बाबा, वही तो चला दो। यू सी दिस गाय नंबर 1 गुलाब जामुन। टेम्पर्ड ग्लास लगा दो भैया, छोटी बच्ची हो क्या? वो मेरा है यार, एक ले लो, बदल लो, एक्सचेंज। शर्म आनी चाहिए कुख्यात आदमी को। टाइम फॉर तरावी गाइस। आई होप नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। पंखे को ज्यादा देर तक बंद किया नहीं जा सकता है, मैं यहाँ पसीना पसीना हो रहा हूँ, तो मिलते हैं नए व्लॉग में।